और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पतंग उड़ा रहे हैं और खासकर गुजरात की बात करें तो यहां पर मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते नजर आते हैं, पतंगबाजी यहां पर होती है और पूरे देश भर में कहीं लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, कहीं माघ बिहू है, कहीं पोंगल है, तो कहीं मकर संक्रांति, पूरे देश भर में इसी तरह से धूम देखी जा रही है। और अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, शुभ माना जाता है और लंबे समय से आप ऐसी तस्वीरें देखते आ रहे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मौजूद हैं और यहां पर वो पतंगबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए पतंगबाजी की, आपको भी याद आ जाएगा क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर ये माना जाता है खुशियों के साथ ही उत्साह के साथ पतंगबाजी भी की जाती है। और आसमान में मकर संक्रांति पर पतंगे ही नजर आ रहे हैं। गुजरात में विशेष तौर पर खास मान्यता है पतंगबाजी की। आसमान में पेच लड़ाए जा रहे हैं पतंगबाजी में और गृह मंत्री भी उसमें हाथ आजमा रहे हैं। पतंगबाजी में किसकी पतंग उड़ी और किसकी पतंग कटी, ये भी बड़ा मायने रखता है। चुनावों में तो ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जब एक दूसरे की पतंग काटी जाती है, लेकिन ये तस्वीर मकर संक्रांति की है जहां अहमदाबाद में पतंगबाजी में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं और पतंगबाजी की जा रही है। मकर संक्रांति पर गृह मंत्री अमित शाह ने पतंगबाजी की है और उत्तरायणी मेला जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और पतंगबाजी की जाती है, उसको खास और विशेष महत्व भी दिया जाता है मकर संक्रांति के त्यौहार पर।